हाँ जी दोस्तों, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का नाम जो है काफी चर्चा में था, और इलेक्शन के बाद से सब लोगों को ये लग रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं एक साथ है, और बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकता है। और शुभांकर मिश्रा के शो में पवन सिंह ने ये कहा भी था कि बहुत जल्द जो है मतलब गुड न्यूज मिल सकता है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकता है, ये खबर जो है निकल के आ रहा था। लेकिन इसी बीच कल जो है ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है, जिसमें बहुत सारा राज का बात निकल कर सामने आता है। मतलब इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से ज्योति सिंह ने पवन सिंह को जो है पूरी तरह से एकदम एक्सपोज कर दिया है। क्या कुछ उस कॉल रिकॉर्डिंग में है, सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा उसको सुनिए। पवन जी खुद ललायक है अपने लड़के। ललायक है तो क्यों तलाक दे रहे हैं, आप ही बताइए ना। जब बीवी का सौता बच्चे के लिए लड़ाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं। आप पूछिए फोन, जैसे आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा इस कॉल रिकॉर्डिंग में, और कल से ही ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और ये जो है खुलेआम हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही पवन सिंह पर आरोप लगा था कि पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को तलाक देने वाले हैं, ज्योति सिंह को छोड़ने वाले हैं, और यहाँ तक की चर्चा हो गया था कि पवन सिंह जो है तीसरा शादी भी करने वाले हैं, जनवरी महीना में जो उनका तीसरा शादी होने वाला है, इतना तक आरोप लगा था। और इस कॉल के माध्यम से ज्योति सिंह ने खुद बहुत सारा बात बताया है और एक्सपोज हो गए हैं पवन सिंह। ज्योति सिंह का कहना है कि चुनाव के बाद से ना तो एक बार भी पवन सिंह ने ज्योति सिंह से मिले हैं, ना ही पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में बात हुआ है। ज्योति सिंह उनको कॉल कर भी रही हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही मिल रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद दोनों का रिश्ता अब नॉर्मल हो गया, दोनों एक साथ रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टा हो गया। यहाँ पर तो पवन सिंह पूरी तरह से अपने दुनिया में जो है व्यस्त हो गए हैं और मस्त हो गए हैं, अपना गाना कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिवार को उनका ध्यान नहीं है। ज्योति सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि अगर हमको अगर पवन सिंह के साथ नहीं रहना रहता तो हम क्यों चुनाव में जाते। चुनाव के दौरान मेरा तबीयत सही नहीं था, पाँव में मोच आ गया था, इतना गर्मी था, तबीयत सही नहीं था, फिर भी हम उनके लिए चुनाव में प्रचार किए क्योंकि हमको जो है पवन सिंह के साथ रहना था। लेकिन इसके बावजूद जो है पवन सिंह चुनाव के बाद जो है एक बार भी ज्योति सिंह से ना मिले हैं, ना बातें किए हैं, मतलब फोन ना कर रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं। बहुत तरह का एलिगेशन जो है ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाया है। ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा। आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की वो लाइफ सेट कर सके हैं। मेरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज के डेट में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ज्योति सिंह इस पर जो सामने वाले से किसी से बात कर रही है, अंकल कह के उनको संबोधित कर रही है, अंकल कहते हुए बात कर रही है और बोल रही है, किस तरह से उनका जो है पूरा जीवन उजड़ चुका है, जीवन बर्बाद हो चुका है और इस पर कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि जब से ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है तब से जो पवन सिंह के सपोर्टर भी हैं, जो पवन सिंह के फैंस भी हैं, अब वो भी पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस मैटर पे जो है पवन सिंह आकर हमेशा फंस जाते हैं। यहाँ पर पूरा कॉमेंट सेक्शन में यही भरा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि मतलब कि ज्योति और पवन सिंह को एक साथ रहना चाहिए, पवन भैया को ज्योति को अपने पास लाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब बहुत तरह का कमेंट। आप जब कमेंट सेक्शन खोलिएगा तो पूरा कमेंट सेक्शन इसी बात से भरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, लेकिन अब पवन सिंह के क्या माइंड में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, तो वही जानते होंगे या आखिर क्या कारण है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि जो लड़की पूरा इलेक्शन उनके लिए खड़ी रही है, एक मतलब एक बार में इतना हार्ड गर्मी था, और ज्योति सिंह को अगर रिश्ता नहीं बचाना होता तो ज्योति सिंह साफ इनकार कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद ज्योति सिंह पूरा इलेक्शन में जो है गांव गांव घूम कर जो है पवन सिंह के लिए वोट मांगी है। तो कम से कम इस बात का कद्र करते हुए पवन सिंह को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए था ज्योति सिंह को, और हम लोगों को तो यही लग रहा था कि अब दोनों साथ में, भले सामने से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन लगता था कि जरूर साथ में होंगे। लेकिन जब ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो इतना तो क्लियर हो गया कि अभी तक जो है ये लोग साथ में नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग में तो इतना तक ज्योति सिंह ने कह दिया कि उनको ये खबर मिला है कि जनवरी में पवन सिंह जी फिर शादी करने वाले हैं। तो ये इतना सारा जो है न्यूज निकल के आ रहा है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है पूरी तरह से जो है एकदम एक विस्फोट की तरह है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और शायद पवन सिंह को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करके रख देगा, उनकी लाइफ को जो है और डिस्टर्ब करके रख देगा। तो अब देखना यह है कि इस पर क्या रिएक्शन आता है, और यही एक शादी का मैटर है जिसके वजह से पवन सिंह को हमेशा जो है टारगेट किया जाता है। पवन सिंह को इसलिए यही कहा जाता है कि पवन सिंह सिर्फ काते बढ़िया है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी बढ़िया नहीं है। कहने का मतलब यही है कि वो
परिवार वगैरह को ढंग से नहीं रख सकते हैं, उनका निजी लाइफ जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, इसीलिए पवन सिंह को हमेशा टारगेट किया जाता है। वो इंसान में सब रहना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती रख रहे हैं। अब जो है पवन सिंह जो सब चीज नॉर्मल हो रहा था, सब कुछ लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद एक और बहुत बड़ा धमाका है। अब देखना यह है कि पवन सिंह अब इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद अब क्या करते हैं, क्योंकि ज्योति सिंह अब पूरी तरह से पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार हैं और वो चाहती हैं कि वो साथ रहे, वो अपना रिश्ता बचाना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह के तरफ से क्या पहल हो रहा है ये तो अभी तक वो खुलकर बता ही नहीं रहे हैं। इंटरव्यू में भी ज्योति सिंह के सवाल पर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए जो है शुभांकर मिश्रा का जो इंटरव्यू हुआ है, पॉडकास्ट हुआ है, उसका भी लोग विरोध कर रहा था कि वो पॉडकास्ट इतना बड़ा पॉडकास्ट हुआ, 2 घंटा का पॉडकास्ट था, लेकिन उस 2 घंटे में कुछ ऐसा पवन सिंह बोले ही नहीं है जिससे लगा हो कि हाँ कुछ नया हुआ, सब कुछ वही घिसा पीटा पुराना जवाब था और बहुत सारे सवालों का तो वो जवाब भी नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए उसका भी विरोध हुआ कि भाई क्या ये इंटरव्यू था, इतना बड़ा एक पॉडकास्ट चैनल है शुभांकर मिश्रा का और सवाल वही घिसा पीटा पूछ रहे थे, इसलिए इसका भी विरोध हो रहा था। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि पूरी तरह से जो है मतलब यहाँ तक की कॉल रिकॉर्डिंग में आ गया है कि जनवरी में जो है पवन सिंह फिर शादी करने वाले हैं, तो जब तक तलाक नहीं होता है तो शादी कहाँ से कर लेंगे, तो बहुत कुछ है, बहुत सारा इस पर मैटर है अभी। अब देखना यह है कि इस पर पवन सिंह का क्या रिप्लाई आता है, पवन सिंह अब आगे क्या करता है। वैसे अच्छा यही रहता है कि पवन सिंह इस चीज को समेट लें, जो रिश्ता है जो रिश्ता बना है उसको रिश्ते को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। बाकी अब देखना है कि पवन सिंह इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या आगे काम करते हैं, अब ये देखना है। बाकी जो भी फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में ये अपडेट, ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों जो वायरल हुआ इस पर क्या सोचते हैं, क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह को साथ में आना चाहिए या फिर तलाक होकर अलग अलग हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जो है जम के शेयर कीजिएगा।